ये सड़क के किनारे लगे चाट के ठेले हमारी ज़िंदगी में शामिल हो गए हैं। किसी होटल या रेस्टोरेंट में इतना मज़ा नहीं आता जो इनके सामान में मिलता है, लेकिन शायद आने वाले दिनों में हमें ये ठेले ना मिले। बढ़ते अपराध और आतंकवाद से तो सरकार निपट नहीं रही है, लेकिन सड़क के किनारे लगे ये ठेले वालों पर सरकार की गाज जरूर गिर रही है। जब हम लोग यहाँ पे दुकानदारी के लिए अपना माल पराठे वगैरह लगाते हैं तो पुलिस वाले और कमेटी वाले हमें आकर के इतना परेशान करते हैं कि हमारा माल फेंक देते हैं और सारा माल लेके चले जाते हैं, जिसका कोई चलान वगैरह कुछ भी नहीं देते और सारा माल का हमारा कचरा कर देते हैं, जिससे हमें बड़ा नुकसान होता है। और हम लोग रोज क्या पानी कुआं खोदने वाले और पानी पीने वाले लोग हैं, जिससे कि हमें बड़ी परेशानी है। ना हमें ये लोग जीने देते हैं, ना ये लोग हमें मरने देते हैं। अगर इन्हें मारना या गरीबी हटानी है तो ये गरीबों को क्यों गरीबों को ही मार दें। इससे अच्छा तो ये होगा कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। रोज हो रहे अतिक्रमण के चलते इन ठेले वालों के भविष्य पर सवालिया निशान तो लग ही गया है। अब देखना यह है कि सरकार इनके बारे में क्या सोचती है। कैमरा पर्सन तनुजा के साथ मैं असलम, AFT न्यूज़ के लिए नोएडा से।